शिक्षक भर्ती में फार्म की संख्या में काफी तेजी के साथ उछाल आ चुका है और अब एक सीट पर इतने अभ्यर्थी हो चुके हैं और ये जहां तक हम समझ रहे थे कि एक सीट पर कम से कम 3 या 4 अभ्यर्थी होंगे, लेकिन अब यहां पर ज्यादा अभ्यर्थी हो चुके हैं और आज अभी लास्ट डेट है। जाहिर सी बात है कि आज लास्ट डेट में 50,000 से लेकर के 80,000 के बीच जो फार्म होंगे वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होते हुए पेमेंट उनका किया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। ऐसे में आज तक कितने फार्म हो चुके हैं, साथ ही साथ आज जो एक एक्सपेक्टेड आइडिया है इतने रजिस्ट्रेशन होने के बाद और पेमेंट होने के बाद टोटल कितने फार्म हो जाएंगे, आपको इस वीडियो के अंत तक जानकारी मिल जाएगी। और अब बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आप एक सीट यहां पर पक्की नहीं कर पाएंगे। और आप सभी के लिए वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले एक छोटी सी सूचना है, इसके बाद हम कितने लाख फार्म पड़े हैं सब कुछ यहाँ पर डिटेल के साथ बताने वाले हैं, सारा प्रूफ आपको जो ऑफिशियल है दिखाने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करें खास करके प्राइमरी की, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है हमारे संस्थान की तरफ से। मात्र 199 में इसमें ऑफर चल रहा है। सभी जो कंप्लीट नोट्स हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज यहां पर तैयार कर लिए गए हैं और ये मात्र 199 में इसमें ऑफर चल रहा है। आपको नोट्स यहां पर मिल जाएंगे। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहां से नोट्स बाई कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा जहां पर बाई करने का लिंक यहां पर दिया गया है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको पेमेंट करना होगा किसी भी तरीके से ऑनलाइन 199 का और आपको तुरंत एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, आप उसको ज्वाइन करिएगा। समस्त नोट्स आपको यहां पर जो है टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं एससीईआरटी बुक्स यहां पर मैं कवर करवा रहा हूं, कक्षा 1 से लेकर 10 तक के सभी एससीईआरटी बुक्स का पीडीएफ कुछ इस तरीके से यहां पर निचोड़ आपको मिलने वाला है, आप यहां पर जल्दी से देख लीजिएगा ताकि आपका ज्यादा समय ना जाए। दूसरी बात, एससीईआरटी के अलावा आपको एनसीईआरटी के ऐसे ही आपको सभी पीडीएफ्स मिलेंगी। इसके अलावा सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, एनवायरनमेंट, नेशनल मूवमेंट, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटजी के, बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर, इंडिया वर्ल्ड के करंट अफेयर के सभी हैंड रिटन नोट्स वहां पर दिए जाएंगे। यानी कंप्लीट तैयारी आपको जो है यहां से करा दी जाएगी। आप अगर एक बार नोट्स बाई कर लेते हैं तो 100% आप यहां पर एक सीट पक्की कर लेंगे और अगर आप जो है सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो 100% आपका जो पूरा पेमेंट होगा वो यहां पर वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि नोट्स मैंने अच्छे तरीके से बनाए हैं तो मैं यहां पर गारंटी लेता हूं कि पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप नोट्स बाई करते हैं सिलेक्शन नहीं होता तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा और अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट वाला भेज दीजिएगा, हम आपको जो है पूरा पैसा यहां पर वापस कर देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स हैं वो आपको तुरंत टॉपिक वाइज जो है जैसे ही आप बैच को परचेज करेंगे वो तुरंत आपको मिल जाएंगे। तो सारे सब्जेक्ट के नोट्स मैंने यहां पर जो है भेज दिया है, आप स्क्रीन पर सब कुछ देख सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहां पर वीडियो के माध्यम से मिल चुकी होगी। ये कुछ बिहार स्पेशल का मैं सैंपल आपको दिखा रहा हूं और ये बिहार आपकी करंट अफेयर है, सब कुछ आपको मिलेगा, बस आप नोट्स को बाय कर लीजिए। आप अगर बिहार समाचार पत्र आज वाला पढ़ेंगे बिहार का तो वहां पर देख पाएंगे शिक्षक बहाली को आज आवेदन की अंतिम तिथि है। प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों सीटों पर नियुक्त के लिए आवेदन शनिवार तक स्वीकार किए जाएंगे, मतलब आज रात 12 बजे तक। जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है पेमेंट कर सकते हैं और जिनके फार्म में गलती हो गई वो फार्म अपना कैंसिल करते हुए दोबारा से फार्म सबमिट कर सकते हैं और जिन्होंने अभी तक फार्म फिल ही नहीं किया है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हुए फार्म अपना फिल कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट इसके बाद बढ़ेगी नहीं। यहाँ पर कहा गया है शुक्रवार यानी 14 जुलाई की शाम 6 बजे तक 7,68,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया हुआ था। ये प्राइमरी और इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी सबका डेटा यहाँ पर दिया गया है। टोटल इतने लाख फार्म यहाँ पर फिल हुई हैं। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि इतने लाख अगर रजिस्ट्रेशन हुई हैं तो आप ये मानिए कि कम से कम शुद्ध जो फार्मों की संख्या होगी वो मैं कह सकता हूँ कि 6 लाख के आसपास अभ्यर्थी जरूर होंगे जिन्होंने अपना पेमेंट कर दिया होगा और जो बाकी रह गए होंगे वो संभवतः आज पेमेंट अपना कर भी देंगे और इसके साथ ही साथ करीब 80,000 तक फार्म की संख्या और यहाँ पर बढ़ सकती है। अगर इस तरीके से हम देखें तो 7.5 लाख जो फार्म है वो आज तक यानी 15 जुलाई रात 12 बजे तक कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें से पेमेंट करते हुए सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो 7 लाख प्लस जो फार्म होंगे उनका पेमेंट भी हो चुका होगा और इनके एडमिट कार्ड भी बीपीएससी जारी करेगा। अगर इन 7 लाख में हम देखें कि सिर्फ और सिर्फ जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कितने फार्म होंगे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इसमें से आपको सबसे पहले टीजीटी का डेटा हटाना पड़ेगा। तो टीजीटी के जो फार्म है वो करीब यहाँ पर 1 लाख के आसपास पहुँच रहे हैं और पीजीटी के जो फार्म है वो आप सभी को पता है 57,000 वैकेंसी है और 57,000 फार्म भी अभी तक पढ़ नहीं पाए, फिर भी हम 50,000 डेटा यहाँ से हटा देते हैं। तो इस तरीके से आप समझिए कि 7 लाख में से 7.5 लाख में से 1.5 लाख डेटा आप यहां से अगर माइनस करेंगे टीजीटी और पीजीटी वाला तो हमारे पास 5.5 लाख का शुद्ध आंकड़ा यहां पर बचेगा। तो 5.5 लाख जो फार्म होंगे ये आप कह सकते हैं, 6 लाख जो फार्म होंगे ये आप कह सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए होंगे। यानी हम एक्सपेक्टेड आज के जो 80,000 फार्म हैं उनको भी जोड़ के चल रहे हैं, बाकी जो शुद्ध आंकड़ा होगा वो तो कल आ ही जाएगा पेपर के माध्यम से और बाकी हमारे वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि जब तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा सारी चीज़ें होंगी तब तक प्राइमरी में 6 लाख प्लस जो फार्म होंगे वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके होंगे।
अब आप सभी को पता है कि प्राइमरी में लगभग 79,000 समथिंग 80,000 के आसपास भर्ती है और 6 लाख जो है वो फार्म यहाँ पर पड़ेंगे। इस हिसाब से अगर हम देखें एक सीट पर करीब 7 से अधिक अभ्यर्थी जो होंगे वो प्राइमरी में आप सभी को जो है मिल रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के अगर हम 7.5 का आंकड़ा वैसे आ रहा है लेकिन मैं 7 का आंकड़ा लेके अभी चल रहा हूँ फिलहाल, तो 7 अभ्यर्थी कम से कम जो है प्राइमरी की एक सीट पर यहाँ पर देखने को मिलेंगे और हो सकता है ये 8 भी हो सकते हैं। तो 7 से 8 के बीच जो आंकड़ा होगा वो यहाँ पर रहने वाला है। बाकी जैसे ही अपडेट आएगी नेक्स्ट वो तुरंत वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा जहाँ पर एक नए चैनल का लिंक दिया गया है जहाँ पर हम आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार एससीईआरटी की जो डिटेल्स होगी उसे वहां पर हम करवाने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और हाँ चैनल पर उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देर शाम में एक वीडियो एससीईआरटी वाला वहां पर आने वाला है। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।